हाँ तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में और कैसे वो बनती है, कैसे डिराइव होती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कुछ सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह निकालेंगे। ठीक है, देखिए तो क्या है कहानी। पहले तो मैं इस थ्योरम को ही प्रूफ कर देता हूं आपको, है ना। देखो, इसका प्रूफ का दूसरा एक मेथड भी होता है वैसे तो, देखो बच्चों, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को प्रूव करने का एक और मेथड बताता हूं आपको। मान लीजिए कि ये कोई नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, एक तरफ डेंसिटी ज्यादा है, एक तरफ डेंसिटी कम है, तो इसका ये सेंटर ऑफ मास आया सीएम। तो यहां पे कोई पार्टिकल है जिसका मास m1 है ना, ये कोई पार्टिकल है जिसका मास m2 है, तो m1 की डिस्टेंस जो है वो यहां से r1 है, m2 की डिस्टेंस यहां से r2 है ना। फिर एक पार्टिकल है m3, उसकी डिस्टेंस जो है वो यहां से r3 है ना। ऐसे ही एक पार्टिकल है mn, ये mn है, इसकी डिस्टेंस यहां पे rn है। तो ये आपका m4 है, इसकी डिस्टेंस ये माइनस r4 है ना, इससे भी तो होगा, इधर भी तो होगा कोई ना कोई। तो सेंटर ऑफ मास अगर हम इसी पॉइंट को ओरिजिन मान लें, है ना, तो इफ आई अज्यूम दिस टू बी ओरिजिन, ये मान लो y एक्सिस हो गई, y एक्सिस, और z एक्सिस आपकी बाहर को हो जाएगी ऐसे, तो सेंटर ऑफ मास ओरिजिन तो हो गया। तो सेंटर ऑफ मास इज एट ओरिजिन, है ना। तो हम लिखेंगे जीरो इज इक्वल टू समीशन एम आई आर आई डिवाइडेड बाई समीशन एम आई, ये हो गया बच्चों। अब सपोज करो ये कोई दूसरी एक्सिस है, अनदर एक्सिस, ये दूसरी एक्सिस डी डिस्टेंस दूर है, तो जो एम वन मास है उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर प्लस डी हो जाएगी ना बच्चों। जो m2 मास है उसकी डिस्टेंस r प्लस r2 प्लस d हो जाएगी। तो सेंटर ऑफ इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं हम i है, और इसके अबाउट ic है, तो ic की जो वैल्यू होगी वो होगी समीशन m i r i स्क्वायर। ये तो डेफिनेशन है, i गोज फ्रॉम 1 टू n। अब i की क्या वैल्यू होगी, तो i की वैल्यू होगी आपकी समीशन m i इंटू r i प्लस d का स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा i गोज फ्रॉम 1 टू n। तो अब i को हम लिख सकते हैं समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n m i इंटू आर आई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस टू डी इंटू आर आई, है ना। इसको अंदर ले जाते हैं तो i इज इक्वल टू क्या हो गया, समीशन m i आर आई स्क्वायर i गोज फ्रॉम 1 टू n प्लस समीशन m i आई गोज फ्रॉम 1 टू n इंटू डी स्क्वायर प्लस 2d into summation m i r i, i goes from 1 to n। अब देखो ये वाली टर्म तो जीरो हो गई बाई डेफिनेशन, तो कुल मिला के ये तो ic हो गया, तो i is equal to हो गया आपका ic प्लस, अब ये वाली जो टर्म है summation m i d, ये तो टोटल मास हो गया ना m i, तो मास into d square प्लस जीरो। तो ये हमारी थ्योरम यहां से प्रूफ हो जाती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर ये बॉडी ऐसी ना होके थोड़ी फैली भी होती, तो अगर ये पार्टिकल जो है ना, मतलब अगर मैं इस रॉड को शीट बना दूं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलता नहीं है। सपोज करो कि ये एक रॉड है, ठीक है बच्चों, तो अगर मैं इसको पीट पीट के इन पार्टिकलों की पोजीशन को एक्सिस के पैरेलल मूव करा दूं, कुछ पार्टिकल ऊपर चले जाएं कुछ नीचे आ जाएं, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा नहीं। मतलब मान लीजिए कि अब ये शीट बन गई है ना, ठीक है, तो ये हमने शीट बना दी, सपोज करो कुछ पार्टिकल चले गए ऊपर कुछ आ गए नीचे, जैसे कि मान लो m4 चला गया यहां पे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़े बदला,
M1 चला गया ऊपर, चलो ये M1 यहाँ आ गया है ना, M2 आ गया नीचे, ये M2 हो गया, M3 भी नीचे आ गया, मान लो M3 यहाँ आ गया, ठीक है, MN मान लो यहाँ आ गया, ओके। तो अभी भी डिस्टेंस तो वही है, तो IC भी उतना ही रहेगा और IB उतना ही रहेगा, तो इवन अगर एक्सिस के पैरेलल जब मास डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ना, तो उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बदलता, समझे ना बच्चों। बस शर्त यह है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है ना, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होना चाहिए, पैरेलल टू द एक्सिस होना चाहिए, रोटेशन एक्सिस। तो जो पार्टिकल यहां था उसकी डिस्टेंस R1 थी, अभी भी इसकी डिस्टेंस R1 है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों बदलेगा? ये डिस्टेंस R2 था, यहां पे था, अब ये यहां पे है, डिस्टेंस अभी भी R2 है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों बदलेगा? और सेम ये आई भी नहीं बदलेगा। तो इवन ये मतलब जब किसी बॉडी को हम एक्सिस के पैरेलल फैला देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बदलता। एग्जांपल के तौर पे मैं सिखाता हूं आपको, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए तो मान लीजिए कि हमारे पास ये एक शीट है, और इस शीट की लंबाई L है और चौड़ाई इसकी B है, मास इसका M है, तो ये रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है। तो हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो सपोज करो कि वी वांट टू कैलकुलेट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेक्टेंगुलर शीट है, तो देखिए कोई मुश्किल काम नहीं है, तो यूनिफॉर्म है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो देखिए करते हैं, तो हम यहां पे एक एलिमेंट ले लेंगे, मान लो कि ये एक्स डिस्टेंस है, ये थोड़ा और आगे ले लेते हैं, है ना, यहां पे ले लिया मैंने एलिमेंट, अब ये जो एलिमेंट है ये एक पट्टी के रूप में है, तो इस पट्टी की चौड़ाई जो है वो मान लो बी है, dx है, लंबाई तो बी हो गई इसकी, तो एरिया ऑफ पट्टी कितना हुआ, एरिया ऑफ स्ट्रिप हो जाएगा बी इंटू डीएक्स, है ना। अब इसका रेक्टेंगल का एरिया कितना है, एरिया ऑफ शीट, ये हो गया एलबी, एरिया मास ऑफ शीट, ये हो गया एम। तो अगर मैं एम को एलबी से डिवाइड कर दूं तो मास पर यूनिट लेंथ आ जाएगा, तो मास पर यूनिट लेंथ को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे बी डी एक्स से, तो इस पट्टी का मास आ जाएगा, तो मास ऑफ द स्ट्रिप इज इक्वल टू एम बाई एल बी इंटू ए बी डी एक्स, है ना। तो आप देख सकते हो कि बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम बाई एल इंटू डी एक्स। अब ऐसी ऐसी लाखों करोड़ों पट्टियां ले लो आप, जिनकी डिस्टेंस जीरो से लेके और एल तक ले जाओ, तो आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो आई है वो एक्चुअली डीएम, ये डीएम हो गया एक्चुअली, तो डीएम इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा। लिमिट क्या लगानी है, जीरो से लेके एल तक, क्योंकि आपकी पट्टी यहां पे लेंगे जीरो डिस्टेंस, बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई, लास्ट में यहां पे आ गई, तो ये हो जाएगा आपका एम बाई एल इंटू डीएक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन जीरो से लेके एल तक। तो देखो एम बाई एल तो बाहर हो गया, तो बिल्कुल ये रॉड वाले तो काम हो गया, तो एम बाई एल बाहर, एक्स स्क्वायर डीएक्स जीरो टू एल, ये हो गया एम बाई एल एक्स का क्यूब बाई तीन जीरो टू एल, तो ये तो बस एल क्यूब बाई तीन हो गया, एक एल कट गया, वन बाई थ्री एम एल स्क्वायर आ गया, तो ये वही नहीं है जो रॉड का था, रॉड का भी तो यही आएगा। तो हमें ये पता चला कि अगर हम इसको पीट पीट के शीट बना दें, तो जो मॉलिक्यूल है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल शिफ्ट हो जाएंगे, तो पैरेलल शिफ्ट होने से उनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी बदलेगी नहीं, दूरी नहीं बदलेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बदलेगा। तो
तो शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और आपका क्या कहते हैं रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आया। अब इसी को आप ऐसे समझो, अगर आप इसको सुकड़ा के यानी बी को अगर आप जीरो की तरफ टेंड करा दो तो इस ये एक रॉड बन जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आ जाएगा। अच्छा इसकी एक और ट्रिक भी है, मैं बता देता हूं, मेथड टू, तो वो थोड़ी स्पेशल ट्रिक है, देखिए उसको मैं सिखा देता हूं उसको कैसे करते हैं। तो ट्रिक ये है, इसमें इंटीग्रेशन नहीं करना, ये ट्रिक से होगा काम, ठीक है, वी नीड नॉट टू इंटीग्रेट। व्हाट इज द ट्रिक, एंड द ट्रिक इज ये डीएक्स भी नहीं, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जितने भी फॉर्मूले होते हैं उसमें मास तो आता ही है और लेंथ यानी जो लेंथ वाली डायमेंशन है उसका स्क्वायर भी आता है और उसके साथ एक कोफिशिएंट आता है, किसी में आएगा वो 7/18, किसी में आएगा 11/144, किसी में कुछ आएगा किसी में कुछ आएगा, जैसे कि इसमें 1/3 आ रखा था। तो अब हम आई को लिख सकते हैं कि देखो जी, एक तो एम इंटू में एल स्क्वायर होगा उसमें के वन हो सकता है, दूसरा एम इंटू में बी स्क्वायर होगा उसमें के टू हो सकता है, और तो तीसरी टर्म हो नहीं सकती है, समझे, एक डायमेंशन का स्क्वायर होगा और एक डायमेंशन जो है वो आपकी मास वाली होगी, लेंथ का स्क्वायर होगा। तो अब अगर ऐसा होता है तो हम कैसे निकालेंगे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, तो लेट मी टेल यू कैसे निकालेंगे। देखो हम ना अपने मन ही मन एक इमेजिनेशन करेंगे कि अगर हम बी को जीरो की तरफ ले जाएं तो क्या होगा, तो ध्यान से देखो अगर बी जीरो की तरफ जाता है तो क्या होगा। तो बच्चों ये बी जीरो पे जाने पे ये एक रॉड बन जाएगी, पतली सी एल लेंथ की एक रॉड बन जाएगी, मास सेम ही रहेगा, सेम मास एम लेंथ एल, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो हमने इमेजिन किया कि हमने इसको सुकड़ा दिया ऐसे, है ना, मतलब पीट पीट के छोटा कर दिया इसको, बिल्कुल पतला कर दिया या फिर फोल्ड कर दिया, जैसे कागज होता है तो कागज को फोल्ड करते चले जाओ तो एक कागज भी एक रॉड बन जाएगी ना, अगर उसको हम फोल्ड करते चले जाए, ऐसे फोल्ड करना है कि लेंथ में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो जो मॉलिक्यूल यहां था वो यहां है, वो यहां है, वो यहां है, जो यहां था, अब यहां वाला मॉलिक्यूल यही है, ये सारे मॉलिक्यूल एक ही जगह आ गए क्योंकि ये सारे इक्वी डिस्टेंस थे, समझे ना बच्चों, तो ये चारों की तरफ यही आ गए, ये अकेला यहां है, तो इसकी जो डिस्टेंस थी वो उतनी की उतनी है, इसकी जो डिस्टेंस थी, अगर ये एक्स थी तो एक्स की एक्स बनी हुई है, ये वाई थी तो वाई की वाई बनी हुई है, समझे ना बच्चों, या अगर ये R1 था तो R1 का R1 बना हुआ है, X1 का X1 बना हुआ है, या X2 का X2 बना हुआ है। सो दिस मॉलिक्यूल इज एट अ डिस्टेंस, स्टिल एट अ डिस्टेंस X1, दिस मॉलिक्यूल इज एट अ डिस्टेंस X2, दिस मॉलिक्यूल्स है ना, तो मान लो ये चार पांच थे तो सारे मॉलिक्यूल X2 डिस्टेंस पे हैं। तो अब देखो, अब जैसे हम बी को जीरो डालेंगे तो आई की वैल्यू तो ऑलरेडी 1/3 ml² आ जाएगी ना, बी टेंड्स टू जीरो एंड देन आई टेंड्स टू 1/3 एम एल स्क्वायर, तो ये डाल दो वैल्यू यहां पे, तो 1/3 एम एल स्क्वायर इज इक्वल टू के वन इंटू में एम इंटू में एल स्क्वायर प्लस के टू इंटू में एम इंटू में जीरो का स्क्वायर, ये हो गया। तो के वन की वैल्यू आ गई 1/3। अब सेकेंड केस ये है कि आप इसको ऐसे अज्यूम कर लो कि आपने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, तो जब आप इसको ऐसे फोल्ड कर दोगे तो पूरी पूरी रॉड जो है ना वो एक्सेस ऑफ रोटेशन भी आ जाएगी, तो लंबाई तो इसकी बी है पर सारे मॉलिक्यूल आ तो गए एक्सेस ऑफ रोटेशन पे, समझ रहे हैं बच्चों, तो जब सारे मॉलिक्यूल एक्सेस ऑफ रोटेशन पे आ गए तो सबकी डिस्टेंस जीरो हो गई, तो आई जीरो की तरफ चला जाएगा, तो इफ लगा दो, इफ एल टेंड्स टू जीरो देन आई टेंड्स टू जीरो, तो इस फॉर्मूले में डाल दो जीरो इज इक्वल टू के वन जो कि 1/3 आ गया, 1/3 इंटू एम इंटू में जीरो का स्क्वायर प्लस के टू इंटू एम इंटू में बी स्क्वायर, तो जब ये टर्म जीरो है तो इसका मतलब के टू तो जीरो हो गया, तो के टू जीरो हो गया और यहां से फिर आई का फॉर्मूला आ गया, के वन है 1/3 और के टू है जीरो, तो आई का फॉर्मूला है 1/3 एम एल स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एम बी स्क्वायर। तो देखिए कितना मजेदार मेथड है ये, जिससे हमें पता चल जाता है इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो होपफुली आप लोग समझ गए, तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे एक रिंग का। तो देखो बच्चों,
रिंग ले लेते हैं हम एक, सो दिस इज द रिंग, रिंग है ये ऑफ मास एम एंड रेडियस आर, है ना। ये वो एक्सिस हो गई जो सेंटर से जा रही है ना, तो इसको हम ज्योमेट्रिकल एक्सिस कहते हैं बच्चों। तो अगर ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस है तो हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, यहां पे एक एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट डीएम मास का है, ठीक है बच्चों। तो डीएम मास के एलिमेंट की डिस्टेंस कितनी एक्सिस ऑफ रोटेशन से, आर, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएम इंटू में आर स्क्वायर। अब क्योंकि एलिमेंट आप कहीं पे भी लो, वो रहेगा तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर डिस्टेंस पे, तो आर स्क्वायर तो बाहर ही आ गया, बचा कौन, डीएम। तो डीएम का मतलब हो गया कि छोटा सा मास, तो छोटे से मास को इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने का मतलब तो समिशन होता है ना। तो जब आप सभी मासों का समिशन लेंगे, छोटे छोटे लाखों करोड़ और वो एलिमेंट लेंगे और सबका जोड़ कर देंगे तो एम आ जाएगा ना। तो आर स्क्वायर इंटू एम, यानी कि आई की वैल्यू आ गई आपकी एम आर स्क्वायर। तो इससे आसान कोई फॉर्मूला हो नहीं सकता बच्चों कि भाई रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, समझे। अब अगर रिंग ना होके एक थिन हॉलो सिलेंडर होता फिर क्या होता, तो अब देखो अगर ये थिन हॉलो सिलेंडर है तो अब रिंग जैसा ही है, तो ये एक नहीं करोड़ों अरबों खरबों रिंग है एक दूसरे के ऊपर रखी हुई, ये इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस हो गई। दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल एक्सिस। अब इसमें हम एक पट्टी ले लेंगे, तो मान लो हमने ये पट्टी ले ली, तो इस पट्टी का जो मास है वो मान लो डीएम है, सो दिस इज डीएम। तो करेंगे तो यही आएगा आंसर, तो क्योंकि पट्टी का हर एक मॉलिक्यूल आर डिस्टेंस पे है ना, और पट्टियां ऐसी लाखों करोड़ों पट्टियां ले लेंगे तो सभी का मतलब जोड़ जाड़ करके वो पूरा रिंग बन जाएगी, तो करोड़ों पट्टियों से मिलकर बना मान सकते हैं हम इसको। तो ये हॉलो सिलेंडर है, थिन हॉलो सिलेंडर मतलब एक तो थिक हो सकता है जिसकी इनर रेडियस अलग हो आउटर अलग हो, तो सिलेंड्रिकल शेल भी कह सकते हैं आप इसको। थिन से मेरा मतलब है कि इसकी रेडियस आर है ना, सिलेंडर ऑफ रेडियस आर। तो जब एक ही रेडियस दी होती है तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी मोटाई इतनी कम है कि आउटर रेडियस और इनर रेडियस देने की जरूरत नहीं है। तो एक खोखला सिलेंडर ऐसा भी हो सकता है ना जिसकी इनर रेडियस आर हो और आउटर रेडियस टू आर हो, तो वो भी खोखला है, बट ये इतना नहीं है, ये बिल्कुल पतला है और इतना पतला है कि अंदरूनी रेडियस भी आ रहा है और बाहरी रेडियस भी आ रही है, बस उसकी मोटाई बहुत ही कम है, समझे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं एक डिस्क का। देखो सपोज करें ये एक डिस्क है, ये सेंटर है इसका और ये एक्सिस है, तो इसका नाम है ज्योमेट्रिकल एक्सिस। ठीक है, तो अब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमें इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट। चलिए निकालते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहां पे एक एलिमेंट ले लेंगे,
ठीक है। तो एलिमेंट जो है वो एक रिंग के रूप में है, ये हमने एक रिंग के रूप में एलिमेंट ले लिया, ठीक है बच्चों, जिसकी इनर रेडियस कुछ है और आउटर रेडियस कुछ और है। इसकी इनर रेडियस है स्मॉल r और चौड़ाई है dr, है ना। तो अब हमें इस पट्टी का एरिया चाहिएगा, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप। अब आप इस स्ट्रिप को बाहर निकालिए, तो जब आप इस स्ट्रिप को बाहर निकालेंगे तो ये इस तरह की दिखेगी आपको, है ना। ठीक है, अब इस पट्टी को आप खोल दीजिए, तो पट्टी को आप काट दीजिए और काट के आप खोल दीजिए इसको। जब आप इसको खोलेंगे तो ये कुछ ऐसे से दिखेगी आपको, ऐसे। तो ये जो अंदरूनी रेडियस होगी ना, ये 2πr हो जाएगी, मतलब लंबाई, है ना, क्योंकि पट्टी को खोल दिया तो जो सर्कमफ्रेंस थी वो लंबाई बन जाएगी, ये वाली लंबाई हो जाएगी 2πr प्लस dr। तो एक तरीके से ये फ्रस्टम टाइप का बनेगा, पर क्योंकि dr इतना छोटा है कि उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये फ्रस्टम बन ही गया तो चलो फिर भी बता देता हूं मैं। तो फ्रस्टम का एरिया होता है आपका हाफ ऑफ फ्रस्टम नहीं, ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड 2πr प्लस 2πr प्लस 2πdr, है ना, इनटू में dr। अब ध्यान से रखो, देखो dr और dr का जब भी प्रोडक्ट हो जाएगा तो वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो 2πr प्लस 2πr 4πr, उसका आधा 2πr, और ये टर्म तो जीरो हो जाएगी। तो देखो 2πr इंटू डी आर और प्लस ये दो से दो कट गया, पाई इंटू में dr का स्क्वायर। तो dr का स्क्वायर हमेशा ही आपको नेग्लेक्ट कर देना है, क्योंकि dr इतना छोटा लेना है कि उसके स्क्वायर को नेग्लेक्ट मार देना है, तो ये नेग्लिजिबल हो गया। क्योंकि dr बेहद छोटा है, तो एक बेहद छोटे नंबर का जब स्क्वायर करेंगे तो वो और भी छोटा हो जाएगा, वो हमेशा खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला के इसका एरिया हम ऐसे लिख सकते थे डायरेक्ट कि भैया यहां पे जो जो आपका ट्रेपीजियम का के इफेक्ट के चलते जो जो मोड आ रहा है, मतलब इसको इग्नोर मार देते हैं और सीधा एरिया लिख देते हैं 2πr इंटू डी आर इज द एरिया ऑफ दिस पट्टी, समझे बच्चों। अब एक बार अगर हमें पट्टी का एरिया मिल गया तो फिर हम निकाल सकते हैं अपना ये कॉन्सेप्ट। तो मान लो इस डिस्क का मास m है, डिस्क ऑफ मास m, अगर डिस्क का मास m m पता चल गया तो पट्टी का मास यानी एलिमेंट का मास, मास ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ द एलिमेंट आ जाएगा m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू में 2πr dr, ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बस यहां से पाई काट देंगे तो ये हो जाएगा m बाई आर स्क्वायर इंटू टू आर इंटू डी आर, है ना, ऐसे हो जाएगा। तो अब ये एक रिंग बन गई बच्चों, जिसका के मास dm है और जिसकी के रेडियस r है। तो हम रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। अब इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट तो di बोल देंगे हम उसको, तो 2m into r into dr डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू में आर स्क्वायर, ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया क्योंकि dm into r स्क्वायर है। अब अगर हमें i निकालना है तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो i इज इक्वल टू 2m बाई आर स्क्वायर आर क्यूब इंटू डी आर, लिमिट गोज फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर,
तो अब अगर हम ये इंटीग्रेशन करेंगे तो ये r की पावर 4 बाई 4 आ जाएगा, तो 2m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर की पावर 4 बाई 4 जीरो से लेके और कैपिटल r तक, यहां पे छोटा r ही डालना है। तो अब देखो जब आप लिमिट लगाओगे तो बड़े r की पावर 4 बाई 4 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 2m अपॉन में r स्क्वायर इंटू में बड़े r की पावर 4 बाई 4 माइनस जीरो। तो आप देखो ये आर की पावर 2 है, ये आर की पावर 4 है, तो कट गया ये 2 से 4 कट गया, तो ये कुल मिला के 1/2 mr² आ गया। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस 1/2 mr² होता है, ये हो गया साबित, प्रूफ हो गया ये। अब डिस्क के बजाय अगर एक सॉलिड सिलेंडर होता तो बच्चों ये अंडरस्टूड बात है कि सॉलिड सिलेंडर बहुत सारी डिस्कों से बनता, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास तो सेम ही है, तो आंसर वही का वही आना था। मतलब उसमें हम एलिमेंट जो है वो एक हॉलो सिलेंडर लेते हैं और हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही आता जितना रिंग का आता है। तो ये ऐसे ही बन जाता है, ठीक है। ये इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस हो गई। तो आप समझ गए होंगे, तो ये आर रेडियस का एक सॉलिड सिलेंडर हो गया, सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर, समझ गए बच्चों? तो होपफुली आप सीख गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आ जाएगा अपना आई 1/2 mr² कोई दिक्कत? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, समझ आ गया होगा। तो इसके अलावा एक तरीका और बता देता हूं, मान लो आई इज इक्वल टू हो गया k1 into mr² प्लस k2 into ml² मान लो l इसकी लेंथ है। अब देखो मेंटली कैलकुलेट कर लेते हैं, तो अगर मैं l को जीरो डाल दूं, l जैसे ही जीरो की तरफ जाएगा, तो जैसे ही l जीरो की तरफ जाएगा तो ये जो है ना ये डिस्क बन जाएगी जिसकी के रेडियस r है, तो ये डिस्क बन जाएगी, डिस्क इसमें l टेंडिंग टू जीरो हो गया है ना। तो यहां पे मतलब अगर मैं l को जीरो डाल दूं ये टर्म जीरो हो जाए तो ये 1/2 mr² होना चाहिए, तो k1 की वैल्यू 1/2 आ गई। और अगर मैं मान लू कि r जीरो हो गया तो ये सुकड़ते रॉड आ जाएगी जो एक्सिस के ऊपर ही अलाइन हो जाएगी। तो एक्सिस के अलोंग मतलब एक रॉड है जिसकी खुद की एक्सिस से गुजरने वाला, क्योंकि सारे पार्टिकल तो फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही आ गए ना, तो उनकी डिस्टेंस जीरो हो गई। तो पार्टिकल की जब डिस्टेंस ही जीरो है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा। तो अगर r को जीरो डालते हैं तो जीरो आना चाहिए, तो ये तभी पॉसिबल है जब k2 जीरो हो। बस प्रूफ हो गया कि आई का फॉर्मूला 1/2 mr² है। तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं, मेंटली देख लो कि भाई अगर r जीरो की तरफ हो जाए तो ये रॉड बन जाएगी जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे आ जाएगी, और अगर l जीरो हो जाए तो ये डिस्क बन जाएगी। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr² होता है, तो बस इसको 1/2 mr² बन जाना चाहिए, तो बन गया ये 1/2 mr², ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको सिखाते हैं कि एक वेरिएबल मास डेंसिटी की डिस्क के लिए कैसे करेंगे। तो मान लीजिए कि एक डिस्क है डिस्क ऑफ है ना नॉन यूनिफॉर्म डिस्क,
कॉन्स्टेंट है ना, एंड रेडियस आर। अब इसमें जो टर्म है वो सिग्मा है, तो सिग्मा इज कॉल्ड मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया। इसका फॉर्मूला है सिग्मा नॉट इंटू वन प्लस छोटा आर बाई बड़ा आर, जहां पे छोटा आर जो है ना वो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है, वेरी स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो सेंटर से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो है वो इसका क्या कहते हैं बदल रहा है, क्या बदल रहा है, सेंटर से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इसका मास डेंसिटी बदल रही है। और जब आप आर को जीरो डालते हैं तो वो सिग्मा नॉट है, आर को कैपिटल आर डालेंगे तो टू सिग्मा नॉट है, मतलब यहां से लेके आगे तक सिग्मा नॉट टू सिग्मा नॉट। ठीक है बच्चों, तो यहां से आप लिख सकते हैं डी आई। तो मान लो मैं यहां पे एक एलिमेंट लेता हूं, तो ये आर रेडियस का एलिमेंट है और इसकी जो विड्थ है वो डी आर है और डी आर बहुत ही छोटा है। डी आर विड्थ का है ये, तो सिग्मा इंटू टू पाई आर इंटू डी आर, टू पाई आर इंटू डी आर जो है ना ये भी मैंने बताया था आपको, इसको डीएम लिख लो जब। तो बेसिकली सिग्मा कैसे कहते हैं, सो सिग्मा कहते हैं डी एम बाई डी ए को एरिया। तो पट्टी का एरिया तो अभी सिखाया ना मैंने आपको, टू पाई आर इंटू डी आर हो जाएगा, तो यहां से डीएम की वैल्यू ये हो गई। अब ये एक रिंग बन गई बच्चों, इट इज अ रिंग, रिंग ऑफ रेडियस आर एंड विड्थ, तो डीआर है तो विड्थ से कोई ज्यादा मतलब नहीं है। तो अब इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा डीएम इंटू में स्मॉल आर स्क्वायर, है ना, और इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा एरिया वो आ जाएगा मोमेंट ऑफ, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। डीएम की वैल्यू डालो तो डीएम में सिग्मा भी है, तो चलो सब डाल देते हैं, तो सिग्मा नॉट इंटू वन प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इंटू, है ना, टू बाई आर इंटू डीआर, और इसी का इंटीग्रेशन करना है जीरो से लेके बड़े आर तक, क्योंकि अब की बार आपको ये मान के चलना है कि आपके पास एक जीरो रेडियस की डिस्क है, रिंग है, फिर उसके बाद बड़ी रेडियस, 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 और लास्ट में सबसे बड़ी रेडियस कैपिटल आर। तो अब देखो टू पाई और सिग्मा तो बाहर निकालता हूं, टू पाई और सिग्मा नॉट तो आगे बाहर, तो ये हो गया हमारा आर प्लस आर स्क्वायर बाई आर, है ना, एंड द लिमिट गोज फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर। तो अब जब ये इंटीग्रेशन करेंगे तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू सिग्मा नॉट इंटू में आर स्क्वायर बाई टू प्लस आर क्यूब बाई थ्री आर, है ना, एंड द लिमिट गोज फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर। तो बस और क्या वैल्यू डाल देनी है, तो ये हो गया आपका 2 पाई इंटू सिग्मा बड़ा आर का स्क्वायर बाई टू प्लस आर का क्यूब बाई थ्री आर, एक आर काट देंगे, है ना, तो ये 5 बाई 6 हो जाएगा। देखो ये पावर कट जाएगी यहां से, दो आ जाएगी यहां पे पावर, ये कट गया, जब एलसीएम लेंगे तो 6, तो ऊपर 3 प्लस 2 5, तो यहां से आई का फॉर्मूला आ गया 5 गुनी 10, तो 10 पाई सिग्मा इंटू में आर स्क्वायर बाई 6, तो 10 बाई 6 भी कट जाएगा, 5 बाई 3 हो गया, तो 5 सिग्मा नॉट, 5 पाई सिग्मा नॉट इंटू आर स्क्वायर बाई 3, ये आ गया जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब मान लो कि एग्जामिनर कह रहा है नहीं देखो हमने आपको मास दिया ना, तो आप आंसर मास के टर्म में दो, तो ठीक है, तो फिर हमें मास निकालना पड़ेगा, तो मास जो है वो यहां से डीएम को इंटीग्रेट करके निकल जाएगा। तो देखो डीएम को मैं इंटीग्रेट कर देता हूं ताकि मास निकल जाए, है ना, मतलब मास की वैल्यू कैलकुलेट हो जाए, मतलब मास में और इसमें रिलेशन आ जाए। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गई बच्चों, क्योंकि ये तो मैंने इसमें आर स्क्वायर तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं, ये मास ही है एक्चुअली, दिस इज मास, ये मास है, ये आई नहीं है बच्चों, ये मास है। अब आई तो अब निकलेगा, ठीक है, तो मास की वैल्यू हुई 5 पाई सिग्मा नॉट बाई 3 इंटू आर स्क्वायर, तो यहां से सिग्मा नॉट की वैल्यू हुई 3 एम बाई 5 पाई आर स्क्वायर, है ना,
ये होगी सिग्मा नॉट की वैल्यू। अब निकालेंगे हम कैसे निकलेगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि मैं आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना भूल गया। तो अब देखो डी आई आएगा आपका डीएम इंटू में आर स्क्वायर, तो डीएम की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू में टू पाई आर इंटू डी आर इंटू में आर स्क्वायर। सिग्मा की वैल्यू होगी आपकी सिग्मा नॉट इंटू वन प्लस छोटा आर बाई बड़ा आर इंटू टू पाई इंटू में आर इंटू में डी आर इंटू में आर स्क्वायर। देखो पिछली बार हमने आर स्क्वायर नहीं लिया था, तो इस वजह से वो डीएम ही रह गया बस, तो डीएम इंटीग्रेट होके एम आएगा। भैया डीएम को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आई निकलेगा, क्योंकि डीएम जो है इस रिंग का मास है और रिंग की रेडियस है, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के तभी तो हम इंटीग्रेट करके टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो अब देखो होगा तो यही, ये डी आई है, तो आई की वैल्यू आ जाएगी टू पाई इंटू में सिग्मा नॉट, ये हो गया बाहर, तो आर क्यूब हो गया अंदर प्लस आर की पावर फोर बाई आर है ना इंटू डी आर, लिमिट गोज फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर। अब देखो आर की पावर तीन है, इसका इंटीग्रेशन आर की पावर चार बाई चार आएगा, तो टू पाई इंटू में सिग्मा इंटू में आर की पावर चार बाई चार प्लस आर की पावर पांच बाई पांच आर है ना, एंड द लिमिट गोज फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर, सिग्मा नॉट है। तो बस वैल्यू डाल देते हैं, तो देखिएगा ये हो गया टू पाई सिग्मा नॉट इंटू आर की पावर फोर बाई फोर प्लस आर की पावर फोर बाई फाइव। अब जब हम एलसीएम ले लेंगे तो नाइन आ जाएगा ऊपर, तो नाइन बाई बीस, अब दो से कट जाएगा तो नाइन बाई टेन हो गया, तो नाइन बाई टेन इंटू पाई इंटू सिग्मा नॉट इंटू आर की पावर फोर। अब हमें आंसर सिग्मा नॉट की टर्म में नहीं देना, एम की टर्म में देना है, तो सिग्मा नॉट की जगह पे ये डाल दो, तो यहां से आई का फॉर्मूला आ गया आपका नाइन बाई टेन इंटू पाई, सिग्मा नॉट की जगह आ गया थ्री एम बाई फाइव पाई आर स्क्वायर इंटू में, सही है, इंटू में इज देयर एनीथिंग नाउ फाइव कैसे आ गया, एक बार और निकालना पड़ेगा मुझे डीएम, लेट मी चेक। चलिए ये तो हमारा आई आ गया बच्चों है ना, अब डीएम एक बार और निकाल लेता हूं, देखो ये आई है याद रखिएगा डीएम, तो इट इज सिग्मा नॉट इंटू में वन प्लस छोटा आर बाई बड़ा आर इंटू में टू पाई स्मॉल आर इंटू डी आर है ना, सो एम कम्स आउट टू बी टू पाई इंटू में सिग्मा नॉट इंटू में आर प्लस आर स्क्वायर बाई टू आर स्क्वायर बाई आर इंटू डी आर एंड द लिमिट गोज फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर, बस ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया टू पाई को बाहर ले लिया, तो ये हो गया टू पाई सिग्मा नॉट बड़ा आर या स्मॉल आर का स्क्वायर बाई टू प्लस स्मॉल आर का क्यूब बाई थ्री आर, लिमिट गोज जीरो टू कैपिटल आर, तो ये हो गया आपका टू पाई इंटू में सिग्मा नॉट बड़े आर स्क्वायर का बाई टू प्लस बड़े आर का क्यूब बाई थ्री, आर से आर काट देंगे, तो ये हो गया हमारा टू पाई इंटू में सिग्मा नॉट आर स्क्वायर बाई टू प्लस आर का क्यूब बाई थ्री, नहीं आर का स्क्वायर बाई थ्री, ठीक है बच्चों। अब जब मैं एलसीएम लूंगा तो सिक्स आएगा यहां पे एलसीएम, तो पांच आ जाएगा ऊपर, तो यहां से एम की वैल्यू हो गई टू पाई सिग्मा नॉट इंटू फाइव आर स्क्वायर बाई सिक्स है ना, ये कट जाएगा इससे तीन हो गया, तो सिग्मा नॉट की वैल्यू आ गई थी आपकी थ्री एम बाई फाइव बाई आर स्क्वायर, सही भाई समझो है ना, ये सिग्मा नॉट की वैल्यू आ गई, अब ये इसमें डलेगी, तो यहां से आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी नाइन बाई टेन इंटू फाइव सिग्मा नॉट की वैल्यू, सिग्मा नॉट इज थ्री एम बाई फाइव पाई आर स्क्वायर इंटू आर की पावर फोर, तो देखो पाई से पाई कट गया और ये पांच इंटू दस पचास हो गया सत्ताईस हो गया, तो आई की वैल्यू हो गई सत्ताईस एम आर स्क्वायर बाई फिफ्टी, मतलब आना वो एम आर स्क्वायर बाई इंटू समथिंग ही है, देख रहे हैं ना बच्चों, आंसर तो यही आना है सत्ताईस एम आर स्क्वायर बाई समथिंग ही आना है, ठीक है, दिस विल बी द आंसर, तो आई की वैल्यू आ जाएगी अपनी, ओके।
तो होपफुली आप लोग समझ गए और आई थिंक इट इज डन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये एक हेमिस्फेयर है बच्चों, हॉलो हेमिस्फेयर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमें इस एक्सिस के ऊपर, ठीक है, हॉलो हेमिस्फेयर। तो चलिए मैं सिखा देता हूं कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, यहां पे एक पट्टी कंसीडर करते हैं, तो उस पट्टी की रेडियस है यार, मतलब ये एंगल थीटा ले लो और ये वाला एंगल हो गया डी थीटा, है ना। तो ये पट्टी जो है वो एक तरीके से फ्रस्टम टाइप की पट्टी हुई, है ना। तो इस पट्टी का हमको मास निकालना पड़ेगा और इसकी डिस्टेंस लेनी पड़ेगी एक्सिस ऑफ रोटेशन से, सब कुछ थीटा के टर्म में आएगा। तो ये मान लो आर है, तो नीचे वाली रेडियस से देखो ये जो लंबाई हो जाएगी आर साइन थीटा हो जाएगी नीचे वाली रेडियस से, समझना, चौबीस वाली से। एक एंगल थीटा है, एक एंगल थीटा प्लस डी थीटा है, तो बस थीटा एंगल से काम चलाते हैं लोग। तो एक टर्म होती है डीएल बाई आर जो कि डी थीटा हो गया, तो डीएल जो है वो इसकी लंबाई हो गई, इसकी लंबाई, ठीक है बच्चों। तो इसकी जो जो ये पट्टी निकलेगी एक रिंग होगी, तो इस रिंग की टोटल लंबाई कितनी बैठेगी, टोटल एरिया कितना बैठेगा, तो इसका टोटल एरिया बैठेगा आपका ऐसे, तो ये तो हो जाएगा 2 पाई आर साइन थीटा, क्योंकि रेडियस तो आर साइन थीटा थी ना, और ये जो मोटाई हो गई ये डीएल हो गई इंटू डीएल, तो बस इसका एरिया हो गया डीए इज इक्वल टू 2 पाई आर साइन थीटा इंटू डीएल, और डीएल इज आर डी थीटा, तो अच्छा हो गया। तो डीए इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू वन साइन थीटा इंटू वन डी थीटा। देखो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो टोटल एरिया आ जाएगा, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं टोटल एरिया सही आ गया, तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो है ना ये काम बन गया। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो ए आ जाएगा ये 2 पाई आर स्क्वायर भी बाहर इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू डी थीटा लिमिट गोज फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर जीरो टू पाई बाई टू, देखो अगर मैं यहां पट्टी लू फिर आगे लू फिर आगे लू फिर आगे लू यहां तक पट्टियां लेते चले जाऊं तो ये पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाएगा ना। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कॉस थीटा, ठीक है, तो कॉस थीटा भी माइनस साइन का, तो फिर उल्टी लिमिट लगा देते हैं, ठीक है। सो दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ कॉस थीटा लिमिट 0 से पाई बाई टू, तो उल्टी लिमिट लगाएंगे तो कॉस 0 माइनस कॉस पाई बाई टू, तो 2 पाई इंटू आर स्क्वायर कॉस 0 माइनस कॉस पाई बाई टू, तो कॉस पाई बाई टू होता है 0 और कॉस 0 होता है 1, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया ना ये, तो ये तो पूरा एरिया होता ही है ना, आप जानते ही हो भाई हेमी स्फेयर का पूरा एरिया सरकम है ना 2 पाई आर स्क्वायर होता है, पूरे स्फेयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब ये हमारा एलिमेंट का एरिया बिल्कुल सही है। तो देखो हेमी स्फेयर ऑफ मास एन, अब क्योंकि हॉलो है पतला है तो जो डीएम आएगा ना वो आएगा आपका स्मॉल एम बाई 2 पाई आर स्क्वायर यानी मास पर यूनिट एरिया इंटू में एरिया ऑफ द पट्टी इंटू में डीए, है ना। अब डीएम खुद 2 पाई आर स्क्वायर आ रहा है, तो ये एम इंटू में साइन थीटा इंटू में डी थीटा आ गया, तो पट्टी का मास ही बहुत शानदार तरीके से आ गया एम इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब ये पट्टी की रेडियस जो है ना वो आर साइन थीटा है, तो इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है डी आई, तो डी आई आ जाएगा आपका डीएम इंटू में आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना, ओके। तो डीएम की वैल्यू डाल दो तो ये हो गया आपका एम इंटू में साइन थीटा इंटू में डी थीटा
इंटू में आर स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। अब यही इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो ये साइन क्यूब थीटा हो गया, तो इसको मैं थोड़ा तमीज से लिख देता हूँ। देखो एम इंटू में आर स्क्वायर इंटू में वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा इंटू में डी थीटा, ये आसान हो गया। अब देखो आई निकालेंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एम इंटू में आर स्क्वायर तो बाहर ही आ गया, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, लिमिट गोज फ्रॉम जीरो टू पाई बाई। अब देखो कॉस थीटा को हम एक्स मान लेते हैं, लेट कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो यहां से डी एक्स बाई डी थीटा वो आ जाएगा माइनस साइन थीटा, तो डी एक्स की वैल्यू हो गई इसका मतलब माइनस साइन थीटा डी थीटा है ना, ये डी एक्स हो गया डी एक्स, सही है बच्चों। अब बस क्या करना है, इसमें वैल्यू डाल देनी है, तो ये हो गया एम इंटू में आर स्क्वायर जीरो से लेके, अच्छा अब देखो जब एक्स जो है वो कॉस थीटा है तो लोअर लिमिट हो गई आपकी कॉस जीरो जो कि वन हो गई, अपर लिमिट हो गई जीरो, तो वन से जीरो जाएगा ये वन माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो गया माइनस का डीएक्स, माइनस डीएक्स के चलते आप लिमिट को उल्टा कर सकते हो, तो ये हो गया एक तरीके से एम आर स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन जीरो से वन वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है ना। अब ये तो एम आर स्क्वायर हो ही गया, इसका एक्स आ गया, ये एक्स क्यूब बाई थ्री आ गया है ना, लिमिट जीरो से वन, तो वन डालेंगे तो वन और ये वन बाई थ्री, वन माइनस वन बाई थ्री टू बाई थ्री हो गया, तो दिस इज टू बाई थ्री एम आर स्क्वायर, बस ये आ गया। अब अगर मान लो ये पूरा स्फेयर ले लेता ना मैं, इसका दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका क्या है मैं बता देता हूं, तो ये आप नोट कर लो पहले, देन आई विल टेल यू द सेकंड मेथड। तो नोट हो गया होगा, तो अगर आपने नोट कर लिया तो आगे देखो दूसरा मेथड क्या है। सेकंड मेथड ये है बच्चों कि हम ऐसा ही एक और हेमिस्फीयर यहां लगा देते हैं, इसका भी मास हो गया हेमिस्फीयर ऑफ मास है ना, अब दो हेमिस्फीयर हो गए एमएम मास के, तो उन दोनों से क्या बन गया, एक तो स्फीयर बन गया ना, हॉलो स्फीयर ऑफ मास टू एम, तो ये हॉलो स्फीयर ऑफ मास टू एम है। अब याद रखो हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ना आपको याद करना होता है, वो होता है टू बाई थ्री इंटू में टू एम जो कि टोटल मास है इंटू आर स्क्वायर, यानी कि पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया फोर एम आर स्क्वायर बाई थ्री। अब ये 4 इसलिए आया क्योंकि टोटल मास 2m है, तो अगर मैं आधे का निकालूंगा तो वो इसका आधा हो जाएगा ना, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन स्फीयर, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन स्फीयर है ना, वो आ जाएगा बस इसका आधा 2 बाई 3 मास स्क्वायर। तो होपफुली आप समझ गए, ठीक है बच्चों। सो इन दिस वे हमने ये सॉल्व कर दिया कि एक हॉलो हेमिस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होता है। तो अब एक हॉलो सॉलिड स्फीयर भी ले लेते हैं, यह है सॉलिड हेमिस्फीयर है ना, सॉलिड हेमिस्फीयर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बच्चों ऑफ मास एम है ना, तो अब इसमें भी एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, तो इसका एलिमेंट एक रिंग नहीं होगा, इसका एलिमेंट एक डिस्क होगा, तो यहां पे हमने एक डिस्क ले लेनी है,
ये डिस्क हो गई, ठीक है ना। तो बात तो वही है कि ये एंगल थीटा है, मान लीजिए, है ना। तो इसके सेंटर से जो हाइट हो गई वो हो गई आर साइन थीटा। पहले मैंने ये वाला एंगल थीटा लिया था, है ना, तो लंबाई को मैंने आर साइन थीटा लिया था। चलो कोई बात नहीं। तो पिछले वाले डायग्राम में ना एक्चुअली हमने ये वाला एंगल थीटा लिया था। अगर ये थीटा लेंगे तभी तो ये आर साइन थीटा होगा, ठीक है। तो लिमिट तो वही जीरो से पाई बाई टू ही जानी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, समझ गए। मैंने यहाँ पे आर साइन थीटा लिख दिया था, तो अगर ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, तो फिर ये वाला एंगल थीटा होगा, तो ये वाली लंबाई हो जाएगी जो है ना आर कॉस थीटा हो जाएगी। आर कॉस थीटा कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये आर साइन थीटा हो जाएगी अगर मैं ये एंगल थीटा लूंगा। ठीक, तो पिछले वाले डायग्राम में भी आप यही कर सकते हैं, जहां पे साइन आ रहा है वहां कॉस कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, वैसे के वैसे ही आ जाएगा। या फिर पिछले वाले डायग्राम में आप यहां पे थीटा के बजाय यहां थीटा लगा सकते हैं, तो दैट विल बी बेटर, है ना। तो फिर तो बात ही बदल जाएगी, फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। अगर मैं इसको थीटा लिख दूं तो ये आर साइन थीटा ही हो जाएगा, बस बात ही खत्म, है ना। और ये फिर आर कॉस थीटा हो जाएगा। चलो हम ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। दिस इज आर साइन थीटा एंड दिस इज कॉस थीटा एंड दिस इज डी थीटा। अब देखो इसको हम वाई लिख लेते हैं। वाई इज द हाइट, हाइट ऑफ दिस डिस्क। ये एक डिस्क है जिसकी का हाइट वाई हो गई, और वाई की वैल्यू आर कॉस थीटा है, क्योंकि हमने थीटा यहां से ले लिया अंदर। अब जो इस डिस्क की मोटाई है ना वो डी वाई हो जाएगी। तो वाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस आर साइन थीटा। सही है। तो यहां से डी वाई की वैल्यू आ गई माइनस आर साइन थीटा इंटू डी थीटा। ओके, अब देखो ये जो डिस्क है इसका हमें एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ द डिस्क। तो जाएगा पाई इंटू में आर स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, और वॉल्यूम निकालेंगे तो इंटू डी वाई, ये हो गया डी वॉल्यूम। अब इसका मास एम था, तो एम को अगर मैं, है ना, आप समझ रहे हो, डी वाई की वैल्यू डाल दूं यहां से, तो ये आ गया पाई इंटू में आर स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। डी वाई की वैल्यू है माइनस आर साइन थीटा इंटू में डी थीटा। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो इसका जो वॉल्यूम आना चाहिए ना वो आना चाहिए टू बाई थ्री पाई आर क्यूब आना चाहिए इसको इंटीग्रेट करके, क्योंकि पूरे स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है आपका, पूरे स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4 बाई 3 पाई आर। तो देखो ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा वही तो है ये, तो इसको आप लिख सकते हो पाई इंटू में आर क्यूब इंटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में माइनस का साइन थीटा इंटू में डी थीटा। अब देखो अगर मैं कॉस थीटा को एक्स मान लू, है ना, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया। तो पाई इंटू में आर क्यूब इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। अब लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, तो हमारा थीटा जो है वो जीरो से पाई बाई टू तक जाएगा, तो लिमिट जो है वो हमारी जीरो से वन तक जाएगी। तो बस इंटीग्रेट मार देंगे, तो ये आ जाएगा आपका पाई इंटू में आर क्यूब इंटू में एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री, लिमिट लग गई जीरो से वन तक, तो वन माइनस वन बाई थ्री टू बाई थ्री, तो ये टू बाई थ्री पाई आर क्यूब आ गया ना वॉल्यूम। तो ऐसे ही है, बस ये हो जाएगा, क्लियर है। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया। अच्छा, हम लिमिट जो है ना वो इस तरह से लेंगे कि वाई बढ़ता चले, तो वाई तभी बढ़ेगा जब थीटा हमारा शुरू में 90 है, 90 से 0। तो कॉस 90, कॉस 90 के कॉरेस्पॉन्डिंग 0 और कॉस 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1, तो लिमिट हमें 90 से 0 लगानी चाहिए, नीचे से ऊपर जाना चाहिए ताकि वाई बढ़ता हुआ चला जाए। तो ये तो हमारा हो गया वॉल्यूम, समझ गए बच्चों, मतलब हमने साबित कर दिया कि जो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो सही है। चलिए अब देखिए,
अब हमें क्या कहते हैं मास चाहिए डिस्क का, मास ऑफ द डिस्क है ना, मास ऑफ एलिमेंट डिस्क, एलिमेंटल डिस्क, एम डिवाइडेड बाई 2/3 πr³ है ना, इनटू में πr² आर क्यूब भी हो जाएगा एक्चुअली है ना, डीवाई की वैल्यू डाल देंगे ना, ये ऐसा हूं भाई माइनस कराइए, माइनस का πr³ इनटू साइन क्यूब थीटा है ना, डी थीटा कैसे आ गया, πr³ इनटू में साइन क्यूब थीटा इनटू डी थीटा विद माइनस साइन। तो माइनस से घबराने का नहीं है क्योंकि इसमें हमें लिमिट इस तरह से लेनी है कि हमारा थीटा जो है वो घटता जाए ताकि y बढ़ता जाए, क्योंकि y भी वेरिएबल आ गया ना इसमें एक, क्योंकि हम ऊपर की तरफ चलेंगे। तो अब देखो πr³ से πr³ कट गया, 3/2 आ गया ये, तो -3m/2 इंटू साइन क्यूब थीटा डी थीटा, ये dm आया बच्चों। अब सिर्फ dm से काम नहीं चलेगा क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में रेडियस का स्क्वायर भी चाहिए होता है हमें। तो देखो अब जो di आएगा वो आएगा 1/2 इंटू में dm इंटू में r² साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक डिस्क हो गई जिसका मास dm है और जिसकी रेडियस r साइन थीटा है, तो 1/2 इंटू मास ऑफ द डिस्क इंटू रेडियस ऑफ द डिस्क का स्क्वायर। तो ये साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन क्यूब थीटा, ये साइन की पावर 5 थीटा हो गया, दिमाग की दही हो जाएगी बस। चलो कोई बात नहीं, तो अब देखो ये 1/2 है, ये ऑलरेडी 3/2 है, तो 3/2 इंटू 1/2 3/4 हो गया, तो माइनस का 3m/4 आर स्क्वायर इंटू साइन की पावर 5 थीटा इंटू डी थीटा। अब साइन की पावर 4 अलग कर दो बच्चों है ना, और साइन थीटा अलग कर दो, तो साइन की पावर 4 को आप 1-cos² थीटा का होल स्क्वायर लिख लो, तो 1-cos² थीटा का होल स्क्वायर है ना इंटू डी थीटा, माइनस को यहां ले आओ। तो अब देखो मान लेते हैं, हम यहां पे मान लेते हैं लेट x = cos θ, तो जो dx है ना वो हो जाएगा -sin θ dθ, मतलब dx/dθ आ जाएगा -sin θ और dx हो जाएगा। अब ये वाली चीज तो dx हो गई, समझ रहे हो बच्चों, और ये 1-x² हो गया। तो अब अगर मुझे i निकालना है तो 3mr²/4 इंटू 1-x² इंटू dx एंड द लिमिट गोज। अब जैसे कि मैं कह रहा था कि y बढ़ना चाहिए, तो y तभी बढ़ेगा जब आपका थीटा घटेगा, तो थीटा घटेगा तभी तो ये डी थीटा नेगेटिव है और dm पॉजिटिव है, नहीं तो फिर वो पंगा ही नहीं रहेगा। तो थीटा आपका घट रहा है, y बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे थीटा लेंगे तो थीटा की शुरुआती वैल्यू 90 और लास्ट की वैल्यू 0, 90 से 0। अब यहां पे थीटा की वैल्यू 90 से 0 ले लो है ना, चलो मैं इसको आई ही लिख देता हूं, इंटीग्रेशन थीटा की वैल्यू 90 से 0। अब 90 डिग्री के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आती है 0 cos 90 के कोरस्पॉन्डिंग, और ये वन आती है, तो 1-x² का स्क्वायर है ये एक्चुअली, इसका स्क्वायर ही खोल दो फिर लगे हाथ है ना, तो 1-x² का स्क्वायर खोलोगे तो 1+x²-2x² dx, ये इंटीग्रेशन आसान रहेगा स्क्वायर खोल के, ठीक है ना बच्चों। तो अब कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 3mr²/4 इंटू में x+x⁵5 है ना, -2x³³3 है ना, 0 से 1। तो बस ये लिमिट ही देखनी है क्या है, 0 डालने पे 0 आ जाएगा, तो 1+1/5 -2/3 सॉल्व करना पड़ेगा, तो 1+1/5 -2/3, तो एलसीएम आ गया 15 है ना, तो 15+3 -10 है ना, तो 15 और 3 18 में से 10 गए 8, 8/15 आ गया है ना, सो दिस कम्स आउट टू बी 8/15, तो 3mr²/4 इंटू 8/15। अब देखो 3 से कट के 5 आ गया और ये 4 से कट के 2 आ गया, 2/5 mr², समझ गए बच्चों, सो दिस कम्स आउट टू बी 2/5 mr², जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं है ना, इसको हम वही एक आधा एम स्क्वायर लगा के भी कर सकते हैं पुराने वाले मेथड से जो मैंने आपको सिखाया अभी शॉर्टकट वाला। तो इस तरीके से हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया है, तो आगे हमें पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में।